हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, आज हमारे पास में हायर ब्रांड का एक फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर जिसका मॉडल नंबर है HRB3404BSE। 320 लीटर ये कैपेसिटी में आता है। तो चलिए पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देख लेते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है, फिर इसके फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेफ्रिजरेटर हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है। ये इसका फ्रंट है और यहाँ पर फ्रंट में इसकी हायर की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पर डिज़ाइन अगर देखेंगे तो ये ब्रश लाइन डिज़ाइन इसमें दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। यहाँ पर आप इसका मॉडल नंबर वगैरह देख सकते हैं। 2-स्टार रेटिंग यहाँ पर दी गई है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसकी दी गई है 265 यूनिट्स पर ईयर की। ग्रॉस वॉल्यूम 320 लीटर्स का मिलता है। स्टोरेज वॉल्यूम यहाँ पे 278 लीटर्स का मिलता है। और यहाँ पे इसके कुछ और फीचर्स मेंशन किए गए हैं। अप टू 12 आवर्स कूलिंग रिटेंशन फीचर इसमें दिया गया है। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी गई है। 10 ईयर्स की वारंटी इस पर मिल जाती है ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर एंड इन्वर्टर फैन मोटर। साइड से अगर देखेंगे तो इसमें कुछ लेदर टाइप का डिज़ाइन इसमें हमें दिया गया है। रियर साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ लेदर टच टाइप का ही डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर इसमें वायरिंग डायग्राम भी दिखाया गया है। यहाँ इसकी जो ये पावर कॉर्ड है तो ये करीब 1.5 मीटर की पावर कॉर्ड हमें इसमें मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी अगर इसकी देखें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिनिशिंग में कमी है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिनिशिंग अच्छी है और इस कॉर्नर पे थोड़ी सी फिनिशिंग ठीक नहीं दी गई है। यहाँ से आप इसकी ये साइड देख सकते हैं जहाँ पे इसके डोर हैंडल वगैरह दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे डोर हैंडल यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके का एक पॉली बैग मिल जाता है जिसमें कुछ आइटम इसमें रखे हुए हैं, वो देख लेते हैं। तो एक इसमें हमें ये एग ट्रे मिल जाती है जिसको यहाँ पर या यहाँ पर हम रख सकते हैं, और एक हमें एक्स्ट्रा से यहाँ पर आइस ट्रे भी इसमें मिल जाती है, और कुछ यहाँ पे पेपर वर्क इसका मिल जाता है, इसका मैनुअल वगैरह मिल जाता है, इसका वारंटी कार्ड वगैरह इसमें मिल जाता है, तो कुछ और एक सेटअप गाइड इसकी हमें ये मिल जाती है। एक इसका वायरिंग डायग्राम भी हमें इसमें मिल जाता है। ये इसका इनसाइड व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डोर का इसके इनसाइड व्यू है। ये हमें यहाँ पर बोतल गार्ड मिल जाता है, तो बोतल वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। 6 बोतल ही इसमें आ सकती हैं, ज़्यादा बोतल आप यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, तो स्पेस बोतल रखने के लिए काफ़ी कम दिया गया है। मेरे पास में एक LG का फ्रिज है, इससे छोटा फ्रिज है, उसमें करीब 12 बोतल आ जाती हैं। वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दिया गया है, लेकिन इसमें हमें काफ़ी कम स्पेस मिल रहा है, तो ज़्यादा बोतल वगैरह आप इसमें रखना चाहेंगे तो वो आप यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। इस साइड में अगर देखते हैं तो काफ़ी स्पेस हमें मिल जाता है, और ये फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर इस पर मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस हमें इसमें मिल जाता है। तो ये वेजिटेबल वगैरह रखने के लिए ये काफ़ी बड़ा सा बॉक्स हमें इसमें मिलता है, तो काफ़ी सारा स्पेस इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 सेल्फ हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, और एक यहाँ पे बिग बॉक्स हमें मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका फ्रीजर सिस्टम दिया गया है, तो एक काफ़ी बड़ा सा हमें यहाँ पे फ्रिज का बॉक्स भी इसमें मिल जाता है, और काफ़ी सारा स्पेस इसके अंदर दिया गया है।
तो काफ़ी सारे आइटम इसमें आप फ्रीज कर सकते हैं। एक यहाँ पर हमें ट्रे मिल जाती है, एक इसमें हमें आइस मेकर मिल जाता है, और दो यहाँ पर हमें ट्विस्ट आइस ट्रे भी मिल जाती हैं। इसको आप घुमाकर और यहाँ से आइस निकाल सकते हैं और वो यहाँ पर इसमें आ जाएगा और इसको इजीली निकाल सकते हैं आप। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसमें दिया गया है, इसको भी आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं और चाहें तो सिर्फ आपको ऐसे राउंड इसको करना है और आइस जो है वो यहाँ पर इस बॉक्स में आ जाएगा और इससे आप इसको निकाल पाएंगे। तो स्पेस हमें काफ़ी सारा इसमें स्टोरेज के लिए मिल जाता है और यहाँ पर हमें कुछ इसमें बटन वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर हमें बटन मिल जाता है फ्रीजर का टेम्परेचर सेट करने के लिए, मिनिमम, मीडियम एंड मैक्सिमम। और यहाँ पर हमें रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर भी सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम। और यहाँ पर जो आप देखेंगे तो ये टफेंड ग्लास दिए गए हैं जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं, काफ़ी मजबूत हैं ये, तो देखेंगे तो ये बिल्कुल भी प्रेस में इनको नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर इसकी हाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी हमें यहाँ पर मिल जाता है, तो इसकी हाइट को यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए तो इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी भी हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर हमें इसमें एक लाइट भी मिल जाती है। इस रेफ्रिजरेटर के प्राइस की बात करें तो इसका MRP है 40,300 समथिंग रुपीज़ और ये हमें मिला है 28,000 रुपीज़ में। ये रेफ्रिजरेटर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।